हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डील अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सुनते ही जो सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में आती होगी, दैट इज़ हार्ट। तो सिर्फ हार्ट ही नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और भी कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले वी विल डील कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या चीज़, उसके फंक्शंस क्या है, हमारी बॉडी में ये सिस्टम काम क्या करता है, राइट। देन वी विल रीड अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, सिस्टम मतलब एक ऑर्गन्स का जब ग्रुप बनता है तो वो सिस्टम बनता है, राइट। तो सिमिलर ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कलेक्टिवली टू फॉर्म अ सिस्टम। तो अब से हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है इस सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे उस कॉन्स्टिट्यूएंट का अपने आप में क्या फंक्शन है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो नाउ व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, हमारी बॉडी से कुछ मटेरियल्स को, मतलब जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको दूसरी जगह से पहली जगह तक उसको रिमूव करने के लिए लेकर आना। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। तो इसमें जिस तरीके से हार्ट, अभी आपने देखा तो हार्ट क्या करता है, ब्लड पम्प करता है ना। तो ब्लड इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो जो भी फंक्शंस आपने ब्लड में पढ़े हैं, जितने भी फंक्शंस ब्लड के थे, वही सारे फंक्शंस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के भी होंगे। सो इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू योर बिलियन ऑफ बॉडी सेल्स एंड कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट बॉडी सेल्स प्रोड्यूस। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ट्रांसपोर्ट का काम है, तो जो यूजफुल थिंग्स हैं जैसे कि वाटर हो गया है, ऑक्सीजन है, या कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी सेल्स को उनकी मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इन सारी ज़रूरत की चीज़ों को सेल्स तक पहुंचाएगा। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद जितना भी वेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कुछ नाइट्रोजीनस वेस्ट है, तो उसको रिमूव करने का काम भी करेगा। तो दोनों फंक्शन आएंगे ट्रांसपोर्ट में। नाउ इट इज़ एन अमेजिंग हाईवे दैट ट्रैवल्स थ्रू एंटायर बॉडी कनेक्टिंग ऑल योर बॉडी सेल्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं कि ये हार्ट है, आपको यहाँ कुछ वेसल्स देखने को मिल रही हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर इन ब्लड हमने बात की थी कि जो हार्ट है इट इज़ जस्ट लाइक अ मोटर। मोटर का क्या काम है, पानी को पंप करना। तो यहाँ हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। और जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो वाटर पाइप्स की तरह हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं, राइट। तो यू कैन सी कि कुछ आपको ब्लू वेसल्स दिख रही हैं और कुछ आपको रेड कलर की वेसल्स दिख रही हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ब्रांचिंग पैटर्न है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी वेसल्स जो हैं, मतलब कि जो हार्ट से अराइज हो रही हैं, ये इतना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक हाईवे की तरह, जो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। दैट इज़ वाई ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, क्योंकि वो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। सो इट इज़ एन अमेजिंग हाईवे, पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी में आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई पार्ट, यानी कि ब्लड वेसल्स हो चाहे वो ब्लड हो, वो ट्रैवल करता है और सारी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। सो वी रेड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन दैट वॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो बना किन किन चीज़ों से हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द नेम्स। सो द फर्स्ट ऑर्गन इज़ हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट। तो हार्ट का आपने, मैंने अभी वही बोला जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, कि सर्कुलेटरी सिस्टम सुनते ही जो पहला नाम आपके दिमाग में आता है दैट इज़ हार्ट। सो यू कैन सी हेयर
हार्ट का ये स्ट्रक्चर है एंड हार्ट इन डिटेल विल बी रेड इन अनदर सेशन, क्योंकि हार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बाद आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्लड एंड हार्ट, तो ब्लड इज ऑलरेडी बीन कवर्ड, हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड, एंड नाउ हार्ट, तो हार्ट को हम अलग से पढ़ेंगे, तो यू शुड नो। सो हार्ट के अलावा वी हैव ब्लड एंड देन वी हैव वेसल्स। अब अगर ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स में ब्लड ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ हम पढ़ेंगे आज वेसल्स के बारे में। सो वेसल्स में आप आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को देखेंगे। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ थ्री मेन ऑर्गन्स और थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स विच आर हार्ट, blood and blood vessels. And blood vessels are further divided into three types, which are arteries, veins and capillaries. तो आज हम cover करने वाले हैं blood and blood vessels. Heart जो है वो separate class में cover किया जाएगा. Now talking about blood, तो blood का just हम एक छोटा सा revision करेंगे. Now what is blood? Blood is a fluid connective tissue. तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको connective tissue क्यों कहा गया है. हमारे चार तरह के basic tissue होते हैं body में, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue और muscular tissue. तो connective tissue word आता है connect, क्या मतलब कि हमारे बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ के रखता है. तो जो ब्लड है वो एंटायर बॉडी फ्लो करता है, ऐसा तो नहीं है इस आर्म में जो ब्लड है वो इसी आर्म में रहेगा, इस आर्म में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ब्लड को कोई स्पेसिफिसिटी तो नहीं दे रखी ना कि ये ब्लड अब्डोमन में ही रहना चाहिए, ये ब्लड अपर लिम में ही रहना चाहिए, नहीं. तो वो क्या करता है, पंप होकर पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, इसीलिए इसको दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू. और इसको फ्लूइड इसलिए बोला गया है क्योंकि इस सारे कनेक्टिव टिश्यूज में से एक ब्लड ही है विच इज़ एबल टू फ्लो, ये फ्लो कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड. तो ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो ब्लड किससे बना था, ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का यहाँ मतलब है जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं. सो ब्लड में आपको प्लाज्मा भी देखने को मिलेगा और ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगे. नाउ प्लाज्मा जो है वो है 55% प्लाज्मा एंड 45% बॉडी ब्लड सेल्स, राइट. तो प्लाज्मा जो है वो 55% है ब्लड में, और जो फॉर्म्ड सेल्स हैं या जो ब्लड सेल्स हैं वो है 45%. नाउ अबाउट 7-8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज ब्लड, यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपके जितना भी बॉडी वेट है उसमें से 7-8% जो बॉडी वेट है वो ब्लड की वजह से ही है. तो अगर हम इसकी नंबर्स की बात करें तो यू हैव ऑलमोस्ट 5-6 liters. अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें 5-6 liters ब्लड देखने को मिलेगा, और उस ब्लड में 55% जो है वो प्लाज्मा है और 45% जो है वो सेल से बना हुआ है. नाउ अभी हमने जो कॉम्पोनेंट्स की बात की, तो इसके क्या, इसके आगे चार कॉम्पोनेंट्स हैं. तो प्लाज्मा तो है नंबर वन. देन टॉकिंग अबाउट सेल्स, तो अगर आपको याद हो तो हमने तीन मेन तरीके के सेल्स की बात की थी, विच वर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. सो वी हैव रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. सो रेड ब्लड सेल्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, white blood cells are otherwise called as leukocytes, and platelets are otherwise called as thrombocytes. तो ये just एक revision है क्योंकि blood आप already cover कर चुके हैं. So blood में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, plasma and blood cells. और blood cells जो है वो तीन type के हैं, RBCs, WBCs and platelets. Now what are the functions of the blood?
तो जो ब्लड के फंक्शंस होंगे वही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के भी फंक्शन होंगे। तो एक फंक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है, न्यूट्रिशन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को या जितना भी बाकी का मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए वहाँ से पिक करता है, लेकर आता है। तो जस्ट एक कैब लाइक फंक्शन है ब्लड का। तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड द टिश्यूज। नाउ इट फॉर्म्स द ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। तो अगर आप स्पेसिफिक प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम था थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस वर्ड होता है ब्लड क्लॉट के लिए। जब भी कभी चोट लगती है तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि वो ब्लीडिंग जो है थोड़ी देर बाद रुक जाती है, वह आपको रेड कलर का कुछ एक सॉफ्ट सा जो बिल्कुल प्लायबल सा आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट बनता किस वजह से है, वहाँ थ्रोम्बस किस वजह से बनता है, प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स ब्लड में ही तो प्रेजेंट है, तो इट फॉर्म्स द ब्लड क्लॉट्स आपकी बॉडी से ब्लड को लॉस ना होने दे, ब्लड जो है वो कम ना हो जाए उसका वॉल्यूम। तो इस वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ब्लड। नेक्स्ट, इट कैरीज सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, यानी कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी के जितने भी आप सेल्स पढ़ेंगे या एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, जो GAMED 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं आपके पास, तो वो एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडीज कंटेन करके रखता है। और इसके अलावा जितने भी आपके, अब WBCs की हमने बात की, तो WBCs भी 5 तरीके के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो WBCs क्या थे, WBCs में जो न्यूट्रोफिल्स थे विच वर फॉर्मिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके अलावा जो आपके पास लिम्फोसाइट्स था, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या कर रहे थे, कुछ मेमोरी सेल्स की तरह अटैक कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनका अभी हमने नाम लिया है, वो एंटीबॉडीज़ हैं या लिम्फोसाइट्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, आप इन्फ्लेमेशन में हेल्प करें, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, अगर वो एंटर कर जाता है तो उनके फैगोसाइटोसिस करने का जो काम है वो ब्लड सेल्स का है। तो ये भी एक ब्लड का फंक्शन है कि आपकी बॉडी में क्या करता है, ऐसे सेल्स और एंटीबॉडीज़ को कैरी करता है जिनको फैगोसाइटोसिस शो कर उस अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कोई भी अनवांटेड जो पार्टिकल है या कोई भी सेलुलर डेब्रिस है उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लिवर टू फिल्टर द ब्लड। तो ये भी आपको पता है, अगर आपको किडनी का याद हो तो वो बोमेंस कैप्सूल में क्या आ रहा है, सारा ब्लड आ रहा है, उसके बाद वहाँ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है बोमेंस कैप्सूल में, तो वहाँ से क्या होती है, फिल्ट्रेशन, राइट। तो ये काम भी किसका है, ब्लड का। एंड इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को डिसिपेट करता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं सेल में तो हीट जनरेशन होती है, तो जो हीट जनरेट होगी अगर वो एक लेवल से बाहर हो जाएगी तो वो सेल को ही डैमेज कर जाएगी, क्योंकि वो थर्मल इंजरी कॉज करेगा सेल को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्या करेगा, उस ब्लड तो खुद तो जा ही रहा है ना पूरी बॉडी में, तो वो साथ साथ क्या करेगा, हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलेगा ताकि किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल में हीट जनरेशन इतना ज़्यादा ना हो कि वो उसे डैमेज कर ले, राइट। तो अल्टीमेटली ब्लड का क्या काम है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना। सो ये वर्ड इज़ वेरी कॉमन, होमियोस्टेसिस का मतलब है जो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना। तो उसको मेंटेन करने का काम किसका है, ब्लड का। सो ब्लड मेंटेन्स होमियोस्टेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके क्या फंक्शंस है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू अदर सेल्स एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में, और अगर कोई और वेस्ट है जो रिमूव करने वाला है लाइक नाइट्रोजीनस वेस्ट है तो उसको कहाँ लेके जाएगा, किडनी में, और ये क्या करेगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए किडनी तक लेके जाएगा। देन इसमें सेल्स हैं, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, और जब भी कभी हमें चोट लगती है या ब्लड लॉस होता है तो वहाँ जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो भी ब्लड सेल्स का ही काम है। तो जो भी आपने ब्लड के फंक्शंस पढ़े हैं आप उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस पे भी लिख सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट वील रीड अबाउट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. अभी हमने जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की बात की थी, हम उसकी थोड़ी थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सो प्लाज्मा क्या था? जब हमने ब्लड को, इफ़ यू रिमेंबर, सेंट्रीफ्यूज किया था, तो जो ऊपर जो स्ट्रॉ कलर्ड मटीरियल रह गया था दैट वॉज प्लाज्मा, और नीचे जो रेड कलर का मटीरियल रह गया था, जो हैवी मटीरियल नीचे सेटल डाउन हो गया था, वो थे आपके ब्लड सेल्स. तो अभी हम प्लाज्मा की बात करेंगे. तो प्लाज्मा जो है ब्लड का मोस्ट, अब सेल्स है, ब्लड फ्लो कर सकता है, तो सेल तो उसको फ्लूइडिटी नहीं प्रोवाइड कराएगा ना, उसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है. तो उसको फ्लूइडिटी देने के लिए, उसको इतना उस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, उस विस्कोसिटी में लाने के लिए कि इट इज़ एबल टू फ्लो, तो वो काम है प्लाज्मा का. तो प्लाज्मा खुद क्या है, प्लाज्मा में खुद में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, तो इसीलिए जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जो उसे फ्लो करने में मदद करता है, जो उसको इस एबल बनाता है कि वो फ्लो कर सके, तो इट इज़ प्लाज्मा. नाउ द मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स. तो आपको प्लाज्मा में क्या देखने को मिलेगा? वाटर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 92% वाटर आपने को देखने में मिलेगा प्लाज्मा में. और उसके अलावा शुगर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स. प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी बात हम अभी इस क्लास में लास्ट में भी करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगी. नाउ व्हाट डज प्लाज्मा डू? इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड सेल थ्रू आउट द बॉडी. जैसे मैंने अभी आपको अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जो एंटीबॉडीज़ को, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, है ना. तो क्या करेगा, अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी है तो वो क्या करेगा, ब्लड सेल्स को थ्रू आउट द बॉडी में ट्रैवल कराएगा. उसके अलावा जब यही फ्लूइडिटी प्रोवाइड करा रहा है तो इसका मतलब क्या है, चाहे आरबीसी है, चाहे WBC है, चाहे प्लेटलेट्स है, तो उनको पूरी बॉडी में फ्लो कराने का काम किसका है, प्लाज्मा का. बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग प्रोटीन, मतलब न्यूट्रिएंट्स के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी रिमूव करवाता है. यू कैन सी एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज प्लाज्मा में मिलेंगी आपको, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स की मैंने अभी बात की कि प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लास्ट में देखेंगे इसी क्लास में. नाउ इट ऑल्सो कैरीज केमिकल मैसेंजर्स सच एज हॉर्मोन्स. तो अभी हमने बात की थी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं तो उनमें क्या, वो क्या रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं. तो कई बार क्या होते हैं, कुछ तो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, और एंडोक्राइन कौन से होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनकी कोई डक्ट नहीं है. तो वो कैरी कैसे होंगे? मान लो एड्रीनल ग्लैंड है, उसने अपना हॉर्मोन निकाला है, उसको किसी और ऑर्गन पर काम कराना है, कि पिट्यूटरी है, कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में. अब उनका जो, उन्होंने हॉर्मोन तो सिक्रीट कर दिया, लेकिन उनका जो एक्शन है वो दूसरे ऑर्गन पर आने वाला है, तो वो पहुँचेगा कैसे अगर कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई वेसल ही नहीं है, तो वो किस तरीके से पहुंचेगा उस ऑर्गन तक? वो पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और ब्लड में भी प्लाज्मा के थ्रू, राइट. तो इट ऑल्सो कैरीज सम केमिकल मैसेंजर्स सच एज हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स, जो फर्दर कुछ रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं. देन दे मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस. नाउ बॉडी फ्लूइड बैलेंस, यू रिमेंबर दिस थिंग, कि जो प्लाज्मा है वो बॉडी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. वो कैसे मेंटेन करता है वो मैं जब आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगी, तब वील रीड अबाउट कि कैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या कनेक्शन है विद बॉडी फ्लूइड बैलेंस. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. बाकी भी है, लेकिन जो बॉडी फ्लूइड बैलेंस है कि सेल के अंदर, अगर हम ब्लड वेसल की बात करें कि ब्लड वेसल के अंदर कितना लिक्विड फ्लो करना है, और उसके बाहर इंटरस्टीशियम में, मतलब सेल के बीच में कितना लिक्विड होना चाहिए, उसको मेंटेन करने का जो काम है वो काम है प्लाज्मा का. प्लाज्मा में भी स्पेसिफिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स का, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट आर RBCs. तो अभी हम ब्लड सेल्स की तरफ चलते हैं, तो हम RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स को देखेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस RBCs? RBCs आर रेड कलर्ड सेल. यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको रेड कलर के दिख रहे हैं. तो इसमें कौन सा पिगमेंट आपको देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन.
रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो आपको आरबीसी में देखने को मिलता है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जो हमारे ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर है ना, वो हमें आरबीसीज की वजह से मिलता है। और आरबीसीज में भी स्पेसिफिकली वो हमें हीमोग्लोबिन की वजह से देखने को मिलता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। नाउ इट इज़ ब्राइट रेड कलर्ड सेल्स होते हैं जो हमारे आरबीसीज होते हैं, और सबसे ज़्यादा तीनों ब्लड सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हमें आरबीसीज देखने को मिलेंगे। सो नॉर्मल काउंट आपको तीनों ही सेल्स का याद रखना है। तो इसमें आप याद करेंगे 4 to 5 million पर क्यूबिक सेंटीमीटर विमेन में, फीमेल्स में, और मेल्स में कितना होगा, 5 to 6 million पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ यू नोटिस कि मैंने वर्ड बोला मिलियन, तो इसीलिए अगर मिलियंस में हैं ये सेल्स, तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स फाउंड इन आर बॉडी। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आप शेप देख सकते हैं, एक डोनट होता है, डोनट आपने देखा होगा, अंदर से खोखला होता है, अंदर से शैलो होता है, और साइड से जो है वो उभरा हुआ होता है। तो बिल्कुल डोनट जैसी शेप होती है इसकी। और अगर साइड व्यू में देखें तो इट्स योर डम्बल अपीयरेंस, जो डम्बल है साइड से आप देखें तो डम्बल लाइक शेप दिख रहे हैं, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको डोनट व्यू देगा। सो दिस वाज अबाउट आरबीसी। सो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आरबीसी, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। नाउ व्हाट हैपन इज़ कि जो आरबीसीज है ना वो इतने ज़्यादा होते हैं और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। उनको छोटा क्यों बनाया भगवान ने, वो छोटे क्यों हैं साइज़ में, क्योंकि सिर्फ हमारे पास आर्टरीज नहीं है, वे आर्टरीज भी छोटे छोटे ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो डायामीटर उसका बहुत नैरो हो जाता है कैपिलरीज़ में आके, जिससे कैपिलरीज़ में आके तो क्या होगा, अगर इन सेल्स का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या उस कैपिलरीज में जाएंगी, नहीं जा पाएंगी। अगर इन सेल का डायामीटर, यानी कि अगर आरबीसी का डायामीटर आपके कैपिलरी के डायामीटर से बड़ा होगा, तो ये उस कैपिलरी को ब्लॉक कर देगी, और उस कैपिलरी से जो भी आपके बॉडी का एरिया जो है उसको ब्लड फ्लो मिल रहा है, तो वहाँ क्या होगा, आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, राइट। तो दैट इज़ वाई इन सेल्स को बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत छोटा रखा गया है, छोटे हैं ये साइज़ में, ताकि ये हर कैपिलरी के अंदर से क्रॉस कर सकें और हर एरिया को ऑक्सीजन, इनका मेन काम क्या, ऑक्सीजन सप्लाई करना। इसीलिए इनको हर बॉडी की छोटी से छोटी पेरिफेरी पे भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इनका साइज़ इतना छोटा है, तो साइज़ तो इस वजह से छोटा है। अब ये फ्लैट क्यों है, फ्लैट इसलिए है क्योंकि जब कोई चीज़ फ्लैट होगी, फैली हुई होगी, तो यानी कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इसको ऑक्सीजन को बाइंड करना है ना, तो वो उतने ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने साथ बाइंड कर सकती है। नहीं तो देखिए आरबीसी इतना छोटा है, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी तो बाइंड कर सकती थी, लेकिन इसके जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से जो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन रिजाइड कर सकता है, जो 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो ये है इसका छोटे होने का, ये जो डिस्क शेप और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज का रीज़न आपको पता चल गया, डिस्क शेप का रीज़न आपको पता चल गया। नाउ इट कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन, जो मैंने अभी पिगमेंट की बात की, विच इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन इन द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को उठाएगा वहाँ जब चेंज होगा, और क्या करेगा, बाकी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसको आरबीसी के थ्रू ट्रैवल करेगा, और वहाँ उस ऑर्गन में उसको डिफ्यूज़ कर देगा, उस सेल को वो ऑक्सीजन दे देगा, और वहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा वहाँ से। सो इट डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस, अब कभी भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सो यू हैव टू रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी है आपका कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो आरबीसी इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आरबीसी का इतना छोटा लाइफ स्पैन क्यों है, 120 डेज इन एडल्ट्स एंड 80 डेज इन अ चाइल्ड, तो इसी वजह से है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो रीजनरेट इतना लॉन्ग लाइफ नहीं है उसका। तो अब इट डज़ नॉट कंटेन न्यूक्लियस, अब उसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना छोटा सा है, ठीक है, और उसमें भी आपको हीमोग्लोबिन को भी बिठाना है, तो उसको जगह तो चाहिए, तो न्यूक्लियस को हटा के वहाँ हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे न्यूक्लियस नहीं है तो वो खुद ज़िंदा कैसे है, वो ज़िंदा इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन तो उसके साथ ही बाइंड कर रहा है ना, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, और डिवाइड वो होते ही नहीं है, जब उनके डेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं सेल्स, और सेल्स बन जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल को ना डिविजन
ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ न्यूक्लियस नहीं है, और स्पेशली उसको हीमोग्लोबिन को वहाँ बिठाना है तो इतने छोटे से सेल में जगह ही नहीं है। तो बाकी सब ऑर्गेनल्स हैं लेकिन नॉन न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो स्पेस है वो हीमोग्लोबिन ने ले ली, राइट। सो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन। अब जो आरबीसी प्रोडक्शन, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस वर्ड बोलते हैं उसके लिए, उस प्रोसेस को हम हिमाटोपोइसिस का मतलब होता है पूरे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। हिमाटो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। अब अगर हम एरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं तो यानी एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज का फॉर्मेशन। तो बोन मैरो में होता है, तो नॉर्मल रेट पे चल रहा है। जब भी कभी बॉडी में ब्लड लॉस होगा या ऐसा होगा कि आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो जो आपकी किडनी है वो एक प्रोटीन मतलब हार्मोन निकालेगी, विच इज़ कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइटिन। तो ये एरिथ्रोपोइटिन का क्या फंक्शन है? एरिथ्रोपोइटिन, अब आप देखो, एरिथ्रो वर्ड का मतलब है आरबीसीज और पोइटिन वर्ड का क्या मतलब है? फॉर्मेशन। तो एक ऐसा प्रोटीन जो आरबीसी की फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा दे, उसको इतना इन्फ्लुएंस करे कि जब तक जितनी ज़रूरत है उस लेवल पे आरबीसी ना आ जाए, तब तक ये अपना काम करता रहेगा। और जब आरबीसी नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे तो ये अपना काम बंद कर देगा, ये रिलीज होना ही बंद हो जाएगा, राइट। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है आरबीसी के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको पता चल गया कि जो स्पेसिफिक आरबीसी का ये शेप है उसके रीजंस क्या हैं। नाउ वील रीड अबाउट सेकंड टाइप ऑफ सेल, विच आर ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स सुनते ही आपका जो ध्यान है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरफ, यानी कि प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आरबीसी का तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में है, गैशियस एक्सचेंज में है, और वाइट ब्लड सेल्स सुनते ही यू शुड नो कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, protects the body from infection. Now what happens is, अगर WBCs की हम बात करें तो WBC का normal count क्या होता है? तो WBC का normal count है 6000, मतलब thousands में होगा, 6000 to 11000 और 4000 to 11000 के बीच होता है per cubic mm. तो आप देख सकते हैं कि कितना वो millions में है RBCs, और WBCs जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही thousands में है, तो कितने कम है as compared to आरबीसीज। तो पूरे ब्लड में से सिर्फ 1% पार्टी है जो WBCs बनाते हैं, क्योंकि इनका नंबर इतना कम है। नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड वेसल, सॉरी वाइट ब्लड सेल। अब व्हाट हैपेंस इज कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो यहाँ आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही हैं, तो दीज थ्री आर ग्रैनुलोसाइट्स एंड दीज टू आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। तो यू हैव फाइव टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन जनरल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आप इनका साइज देखिए, आरबीसी के साइज से काफ़ी बड़ा है इनका साइज, काउंट कम है पर साइज सबसे बड़ा है, प्लेटलेट से भी बड़ा है, आरबीसी से भी बड़ा है। और आप ध्यान से देखिए, किसी में ग्रैन्यूल्स हैं, इन तीनों में ग्रैन्यूल्स हैं, और ग्रैनुलोसाइट्स में, ए ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं है। और अगर आप इसके न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे तो हर न्यूक्लियस का एक अपना शेप है, ये मल्टीलोब्ड है, ये बाईलोब्ड है, ये सिंगल लोब्ड है, ये राउंड न्यूक्लियस है, ये किडनी शेप का है या बीन शेप का न्यूक्लियस है। तो सबका अपना अपना न्यूक्लियस है, और इन सब में से सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो इन, अगर हम इन पांचों की बात करें ना, तो इन पांचों टाइप्स में से सबसे जो ज़्यादा सेल्स देखने को मिलते हैं दैट आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। इनका फंक्शन है दे फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो आप फिर से न्यूट्रोफिल्स का जिक्र वहाँ होगा। जब भी कभी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा या कोई पैथोजेनिक एजेंट आएगा, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुँचेंगे वहाँ उनको ख़त्म करने के लिए। सबसे ज़्यादा भी यही है और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव कि इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जब भी आपकी बॉडी में कभी भी एलर्जिक रिएक्शन होगी तो इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ेगा, इओसिनोफिल वहाँ एक्शन में आएंगे। और जब भी कोई इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल, तब बेसोफिल्स आएंगे। मोनोसाइट्स क्या करेंगे? मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मैक्रोफेज बन जाते हैं। जब मोनोसाइट्स का वैसे कुछ वो नहीं है, वो भी इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कराते हैं, फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं।
और लिम्फोसाइट्स तो आपको पता ही है, जो आपकी सेलुलर इम्यूनिटी होती है बी टाइप की, और टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो लाइकवाइज अब आप देख सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स में जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो आपको डिफेंसिव एक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सो बोन मैरो कॉन्स्टेंटली मेक्स न्यू न्यूट्रोफिल। नाउ व्हाट हैपन्स है कि न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी अब इतने वो 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं अगर हम सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो बोन मैरो है, जैसे रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बन रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में ही बनेंगे, तो वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स को जो जो सेल ख़त्म हो रहा है उसको जल्दी जल्दी बनाएगी। सो दैट इज़ वाई हेयर इट इज़ रिटन कि बोन मैरो जो है वो काफ़ी न्यूट्रोफिल्स बनाती है दिन में, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो अपने आप में एक बहुत प्राइम फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट तो है ही लेकिन डिफेंस भी तो प्रोवाइड कराना है, तो वाइट ब्लड सेल्स का काम है डिफेंसिव एक्शन देना। नेक्स्ट वी हैव थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। सो इसका तो नाम में ही लिखा है कि इसका काम क्या है। अब जो है रेड ब्लड सेल्स और WBCs की तरह जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअल में सेल्स नहीं होते, मतलब एक पूरी तरह के से सेल नहीं है, वो सेलुलर फ्रैगमेंट है। सेलुलर फ्रैगमेंट का क्या मतलब है, जब हम प्रीकर्सर सेल क्या होता है, जब हम हिमाटोपोइसिस हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि बहुत सारे, पहले एक हिमाटोपोइटिक सेल होता है, फिर एक कमिटेड स्टेम सेल बनता है, फिर प्रोजेनाइटर सेल बनते हैं, यानी कि प्रीकर्सर सेल बनते हैं। हर मैच्योर सेल बनने से पहले उसको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो इसमें जो मेगा कैरियोसाइट बनता है, यानी कि इसका जो प्रीकर्सर सेल है वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो उस बड़े सेल के कुछ कुछ टुकड़े निकल के टूट जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो जो सेलुलर फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़े, सेलुलर का मतलब सेल, तो इसके एक प्रीकर्सर सेल से काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े उससे अलग हो गए हैं मैच्योरेशन के टाइम पे, तो वो जो मैच्योर्ड फ्रैगमेंट बना है ना उसको प्लेटलेट्स बोला गया है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन, अब इधर मैं वर्ड यूज़ करूँगी, हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस का क्या मतलब होता है, स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपेज, और हीमो स्टैंड्स फॉर ब्लड, तो यानी कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है, जो थ्रोम्बस फॉर्म करता है, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने वाले सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो कभी भी क्या होगा, जब भी कभी आपको इंजरी होगी तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये पहुँच जाएंगे, मतलब न्यूट्रोफिल सबसे पहले ये पहुँचेंगे, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो एक वहाँ पे ब्रिज बना लेते हैं ताकि आपका ब्लड लॉस ना हो। तो जब वो ब्रिज बना लेते हैं तो जो इंजरी की वजह से जो इन्फेक्शन अंदर आया है या जो अनवांटेड मटेरियल अंदर आया है तो वो वहाँ रहेगा, उसके बाद फिर न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे फटाफट उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो आसपास ज़्यादा नुकसान ना करें। तो काम क्या है प्लेटलेट्स का, ऊपर से सील कर लेते हैं कि बाहर से, क्योंकि अब जब भी चोट लगी है तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो स्किन वहाँ से हट गई है तो स्किन भी तो एक बैरियर का काम करता है, तो जब बैरियर ही नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और ब्लड तो लॉस हो ही रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए जो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन का काम है वो है प्लेटलेट्स का। तो इट फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ब्लड कोएगुलेशन कैन टेक प्लेस। तो वही मैंने आपको बोला कि एकदम ये एक स्टिक का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है, एक प्लेटफॉर्म बनाती है, तैयार कर देती है कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी है। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। नाउ वी हैव रेड अबाउट ब्लड, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है ब्लड का, तो आपको ओवरव्यू मिल गया है कि ब्लड का क्या फंक्शन है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर ब्लड की अलग से वीडियो है, आप वो ध्यान से देख सकते हैं। नाउ विच गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स बाय द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें कि कौन सी दो गैसेज हैं जो ब्लड ट्रैवल करा रहा है, तो दीज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी सेल्स को चाहिए होती है तो वो वहाँ तक पहुँचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी सेल्स का वेस्ट है, उसे नहीं चाहिए होती तो वो उसको वहाँ से रिमूव करता है। नाउ यू कैन सी कि ये ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं, ये अंदर RBCs चल रहे हैं। तो RBCs क्या है, ये रेड कलर का एरो जो है वो दिखा रहा है ऑक्सीजन, और ये जो ब्लू कलर का एरो है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज सेल।
तो सेल में ऑक्सीजन को ब्लड दे रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस दे रहा है। वो जो जो आरबीसी ऑक्सीजन को अब उसने दे दिया, तो वो हीमोग्लोबिन खाली हो गया ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट खाली हो गई, तो उस साइट पे अब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, फिर ये चले जाएंगे, फिर ये रिमूव कर देंगे लंग्स के पास जाके, और इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो कैरी आउट करता है ब्लड। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। तो जब भी अभी आपने डायग्राम देखा तो आपने जो ब्लड वेसल्स देखे वो रेड कलर में भी देखे होंगे और ब्लू कलर में भी देखे होंगे। हेयर यू कैन सी, आपको जो ये बॉक्स है ये रेड कलर में देखने को मिलेगा एंड दिस बॉक्स जो है वो ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। तो आप इसी से देख सकते हैं कि जो आपका रेड ब्लड होगा, अब एक्चुअली में वो बिल्कुल ब्लू नहीं होता, उसमें एक ब्लूइश टिंज होता है, रेडिश ब्लू होता है। एक होगा आपका बिल्कुल शाइनिंग ब्राइट रेड कलर और एक होगा आपका ब्लूइश रेड कलर। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जो आपका रेड कलर होगा वो होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जब लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हीमोग्लोबिन चला सेल को देने के लिए, तो वो वाला जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा, इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड। और जब उसने ऑक्सीजन वहाँ सेल पे ड्रॉप कर दी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर ली, तो उसका जो है कलर ब्लूइश रेड हो जाएगा, तो उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया है अब ऑक्सीजन की जगह, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या होता है, इट इज़ द ब्लड ट्रैवलिंग टू द बॉडी सेल्स। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल से अवे जाने वाला जो ब्लड है वो होगा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन देनी है तो इट विल गो टूवर्ड्स द सेल, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है तो अवे फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट, इट हैज़ हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड इट हैज़ लो ऑक्सीजन कंटेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट, इट हैज़ लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपने जब आप ब्रीथ करते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन तो अंदर नहीं लेते ना, एयर तो मिक्सचर होता है गैसेस का, तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा अमाउंट में है, पर ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है। जब आप एक्सपायर करते हो तो उसमें भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, आप कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है जो आप एक्सपायर करते हो। तो इसी तरीके से जब ब्लड ने ऑक्सीजन को उठाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, और इसी का उल्टा होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसमें ऑक्सीजन कम मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा। तो ऑक्सीजन ही है जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन है उतना ब्लड का कलर रेड है, और जितना कम है तो वो ब्लड जो है वो ब्लूइश रेड की तरफ चला गया है। तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लड इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों का रीज़न क्या है वो आपको पता है, दोनों के कलर्स का डिफरेंस आपको पता है। सो अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट दीज टू टाइप्स ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को इतना ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया गया है, मतलब अप्रिशिएट करने वाली है ये चीज़ कि दोनों ही ब्लड घूम रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन कभी भी ये मिक्स नहीं होते, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, सारा ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा, वो तो नुकसान हो जाएगा हमारे सेल्स को। तो ब्लड हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमें उसमें यही देखना है कि ऐसी क्या इसकी रचना की गई है, ऐसे किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है कि दोनों अलग अलग तरीके के ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहे हैं लेकिन फिर भी ये मिक्स नहीं होते हैं, राइट। सो वील मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। सो अभी तक तो था आपका रिविजन किया आपने ब्लड के बारे में, तो ब्लड कौन सा था, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा था, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा था। तो अब वो जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है और डी ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली जो चीज़ थी, दीज आर ब्लड वेसल्स। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, रेड कलर का, तो ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें से क्या फ्लो करता है, ब्लड। नाउ एज द ब्लड मूव्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मूव्स थ्रू थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो कैरी होता है, वो मूवमेंट शो करता है। अब आप तीन तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था, नेमली आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। नाउ
व्हाट हैपन्स इज कि आर्टरीज जो है वो कैरी करेगी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपकी वेन्स हैं वो कैरी करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी जो आर्टरीज हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द सेल जाता था ना, तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, हार्ट से अराइज होंगी, ओरिजिन होंगी, हार्ट से शुरू होंगी और जाएंगी सेल्स तक, बॉडी सेल्स तक, तो वो होगी आपकी आर्टरीज। और जो ब्लड वेसल्स का काम है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना, और उसको कहाँ तक लेके जाना, हार्ट तक लेके जाना, वहीं से तो लंग्स में जाएगा ना ऑक्सीजनेशन के लिए, तो उनका काम होगा वेन्स। तो आर्टरीज जो हैं दे विल टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स विल टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारे किसी भी सेल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इकट्ठा ही सेल से किया है, तो वो सेल से इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएगा, उसको हार्ट में लेके जाएगा। तो ये है आर्टरीज और वेन्स। नाउ द थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो अब ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज आई, आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, ठीक है, दे दिया उसको। अब सेल को देने के बाद उन्होंने ही कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया, अब वहीं से तो शुरू हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आर्टरी और वेन के बीच में जो नैरो कनेक्शंस है, जहाँ ऑक्सीजनेटेड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड में, उस जो नेटवर्क को हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का काम क्या है, आर्टरीज और वेन को लिंक करना। सो दिस वॉज अबाउट योर ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वी हैव मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ यू कैन सी, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है, तो आप ध्यान दें कि ये आपका हार्ट है और हार्ट से आपको कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं एंड कुछ आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर योर आर्टरीज, आर्टरी, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है पूरी बॉडी में, दीज आर योर वेन्स। तो जो आर्टरी आपकी बॉडी में चल रही है, आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से अपर लिम में कौन सी आर्टरी जा रही है या लोअर लिम की मसल्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो आप देखेंगे कि हर आर्टरी के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग वेन भी चलती है। तो देखिए जिस तरीके से ये मेजर आर्टरी है तो इसके साथ एक मेजर वेन भी चल रही है, तो आर्टरी डिवाइड हुई है, तो इस तरीके से ये वेन का भी डिवीजन आप देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अभी मैंने बोला कि आर्टरी डिवाइड हुई है तो ये देखो वेन भी डिवाइड हो रही है, लेकिन नो, वेन कभी भी डिवाइड नहीं होती। आर्टरी हमेशा हार्ट से, हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट हुई और ऑर्गन तक गई, तो ये डिवाइड हो रही है, लेकिन वेन जो है वो हमेशा पेरीफेरी से शुरू होगी, ठीक है। तो आर्टरी की डायरेक्शन हमेशा हार्ट से पेरीफेरी की तरफ होगी और वेन की डायरेक्शन पेरीफेरी से हार्ट की तरफ होगी, क्योंकि उसने लेके जाना है। तो अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी, यहाँ तो मैं, अगर मैं यहाँ इस डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ आर्टरी को तो मैं बोलूँगी कि आर्टरी दो में डिवाइड हो गई, लेकिन वेन की क्या बात करेंगे हम, लेफ्ट और राइट की वेन थी जो आपस में यूनाइट हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये वे ट्रिब्यूटरीज हैं जो जुड़ती हैं आके, जो जैसे एक नदी होती है ना, तो आर्टरी की हमेशा आप ब्रांचेस पढ़ोगे, उसके साथ वर्ड आएगा ब्रांचेस, क्योंकि आर्टरी जो है एक से ज़्यादा में डिवाइड होती है, लेकिन वेन के साथ आप हमेशा वर्ड पढ़ोगे ट्रिब्यूटरीज, जैसे रिवर की होती है ना छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आकर एक बड़ी नदी में मिलती हैं, तो वैसे ही वेन की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेरीफेरी से अराइज होती हैं और लेटर वो मेन वेन में आकर ड्रेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो बाद में जाके आपके हार्ट में ड्रेन होता है। सो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि वेन की ब्रांचेज है, आप हमेशा बोलोगे कि वेन की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ब्रांच वर्ड आएगा आर्टरी के लिए और ट्रिब्यूटरीज वर्ड आएगा वेन के लिए।